मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मोदी सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहली बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं मंत्री बनने के बाद, और उनके स्वागत के लिए भोपाल की सड़कों पे जन सैलाब उमड़ गया है। आप देखिए, पुराने भोपाल की सड़कों पे शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और यहाँ पे उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। उस खुले रथ पे अगर आप देखें तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि विदिशा संसदीय सीट से जीत करके आए हैं, उनकी धर्म पत्नी उसमें मौजूद है, पूर्व सांसद विदिशा से रमाकांत भार्गव भी उस रथ पे मौजूद है, और ये रथ धीरे धीरे बढ़ रहा है उन मुस्लिम महिलाओं की तरफ जो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से शुरू की गई लाडली बहना योजना की हितग्राही है, और वो अपने भाई का स्वागत करने के लिए पहुंची हुई है इस चिलचिलाती धूप में। और ये है शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री, जो इस खुले रथ पे सवार होके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अपनी लाडली बहनों का। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान भले ही दिल्ली चले गए हों मध्य प्रदेश छोड़ के, लेकिन अपनी बहनों से, मध्य प्रदेश की जनता से शिवराज सिंह चौहान का जो आत्मीय संबंध है फिलहाल वो रुका हुआ है, वो बना हुआ है, और उसी आत्मीय संबंध की निशानी के तौर पे इन बहनों ने, मुस्लिम बहनों ने अपने भाई को ये पगड़ी जो है भेंट की है। और शिवराज सिंह चौहान आज पहली बार मंत्री बनने के बाद जब आए हैं तो ये मुस्लिम बहनें अपने भाई का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में पुराने भोपाल में मौजूद हैं, और उनसे मिलकर अब शिवराज सिंह चौहान आगे रवाना हो रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं सामने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जनता का, वो जनता जो लगातार मध्य प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखी है। और अब बतौर केंद्रीय मंत्री जब पहली बार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश आए हैं तो उनका स्वागत कर रही है। रवीश पाल सिंह, भोपाल।